है आपका? सर ओम पाटीदार। ओम पाटीदार जी, ओम पाटीदार जी, काफ़ी सुंदर नर्सरी हमको दिखाई दे रही है, ये कैसे बनाई है, उसमें इसका आइडिया आपको कैसे आया, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर पहले तो धन्यवाद, आपने सुंदर बोला। और सर कैसे बनाई, सर मैं 2011-12 में बायोस्टेट क्रॉप इंडिया लिमिटेड में नौकरी कर रहा था सर, और मैंने MSc हॉर्टिकल्चर करा सर आगरा से सर। उसके बाद लगभग 10,000 रुपये महीने की पर मेरी नौकरी थी सर, तो जो मेरा काम था सर उसके काम के अनुरूप मुझे मेरा वेतन नहीं मिल रहा था। उसके बाद मेरे पिताजी की पुश्तैनी ज़मीन है सर, यहाँ पे रोड से लगी हुई 2 एकड़ सर, उसकी उस ज़मीन को मैंने सोचा कि कुछ अच्छा उपयोग मेरे भी आ जाए और कुछ उससे आय भी प्राप्त हो। इसके लिए सर मेरे कुछ प्रोफेसर लोग हैं इंदौर के, उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आप नर्सरी वगैरह करिए, पोलियो हाउस वगैरह करिए। फिर मैंने गांव में आके जानकारी निकाली सर, महेश्वर ब्लॉक में और वो ज़िले में जानकारी निकाली, तो पता चला सर कि 50% की इसमें सब्सिडी भी अवेलेबल हो जाएगी पोलियो हाउस पे सर। तो फिर मैंने सर पोलियो हाउस बनाने की ठानी सर। उसके लिए मैंने सर बैंक से लोन भी लिया सर। 1 एकड़ का पोलियो हाउस बनाने में मेरे को सर 36 लाख का खर्च आया, जिसमें 18,67,000 रुपये मुझे NHM ने, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2001 की तरफ से प्रोवाइड हुआ सर। उसके बाद मैंने जैसे ही नर्सरी बनाई सर, पहले ही साल में जो मेरे अपेक्षाएं थी उससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा मेरा टर्नओवर हुआ सर। लगभग 70-75 लाख का टर्नओवर पहले साल में हुआ सर, और आज तीसरा साल है तो ये मान के चलिए सर कि 1.5 करोड़ से 1.56 करोड़ का टर्नओवर मेरा हो रहा है सर इस साल। और मैं कम से कम 30 से 35 हज़ार मानव दिवस, मतलब प्रत्येक 30 से 35 हज़ार श्रमिकों को 1 साल में रोजगार भी मुहैया कराता हूँ सर। क्या है सर, इधर बहुत ST और वो ST बाहुल्य क्षेत्र है सर, इधर मैंने लोगों का जीवन स्तर देखा है सर, काफ़ी नीचे है सर, तो कम से कम उन्हें भी रोजगार मिलता है, इस बात की तसल्ली है मेरे को सर। और कम से कम मेरा काम भी चलता है, और 7 सुपरवाइज़र है मेरी नर्सरी में सर, जो काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी सर ऊर्जावान और एनर्जेटिक लोग हैं सर। उनके साथ टीम बना के मैं काम करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है सर। और पौधे जो है मेरी नर्सरी के, वो तो सर दूर दूर तक, यहाँ ज़िले की बात करूँ मतलब MP की बात करूँ सर, तो बालाघाट, बैतूल, रतलाम, इधर खरगोन, महेश्वर, और उसके बाद सर बेड़ियाव, सनावत, धार, झवा, इधर सर कम से कम 24 जिलों के आसपास यहीं पे पौधे जाते हैं। इसके अलावा दूसरे अगर राज्यों की बात करूं मैं, तो छत्तीसगढ़ राजस्थान गुजरात और सर इधर अपना UP आ गया, UP में भी मेरे सर वहां पढ़ा था, तो कुछ चिर परिचित लोग हैं वहां पे भी पौधे जाते हैं, काफ़ी दूर दूर तक सर पौधे जा रहे हैं। और सर जैसा कि आपने बताया कि एक एकड़ के पॉली हाउस में लगभग 36 लाख रुपये के लगभग खर्च आता है जी सर, तो क्या शासन की ये योजना नहीं होती तो आप हिम्मत कर पाते, ऐसा लगा आपको कि शासन का बड़ा योगदान है इस मामले में? अरे बिल्कुल सर, नहीं होती शासन की योजना अगर तो मैं मान के चलता हूँ कि 99% लोग पॉली हाउस डाल ही नहीं सकते सर। क्योंकि सर जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि 18,67,000 उसमें लागत लगी, और 18 लाख रुपये मेरे को प्राप्त हुए सर, उसमें घर से लगाने पड़े सर। तो इसमें सर 1 एकड़ के पोलियो हाउस में 17 से 18 टन JA पाइप लगता है सर, वो JA पाइप की आप कीमत 10 साल बाद भी जाके बेचने जाओगे तो 14 से 15 लाख का हो जाता है सर। तो मतलब ये मान के चलिए तो ज़मीन जैसा इन्वेस्ट है सर, आपने बना के उसमें काम करना चालू करा तो पैसा आपका जो लगा है वो तो स्वर है सर, और जो आमदनी उससे आएगी वो बात तो अलग है सर। अच्छा, इस नर्सरी में आपने अभी कौन कौन से पौधे तैयार किए? सर मेजर तो मैं पपीता, मिर्च, टमाटर, बैगन, प्याज, उसके बाद सर चाइनीज़ केबेज हुआ, ब्रोकली हुआ, वाटरमेलन हुआ, खरबूजा हुआ सर, ये चीज़ें 7-8 चीज़ें मेजर करता हूँ सर। उसके अलावा साइड में सर गेंदा वगैरह और ये नवरंग वगैरह के पौधे भी हम तैयार करते हैं सर। अच्छा, आप नए जो जनरेशन है उनको क्या बताना चाहेंगे कि शासन की ये योजनाओं से किस तरीके से लाभान्वित हो सकता है? आपको कैसे आइडिया आया कि शासन की ये सुविधाएं इनसे अपन लाभ ले सकते हैं? सर पहली बात तो जो नई जनरेशन है वो सर आजकल इतनी नेट और फेसबुक इनसे इतनी अपडेट रहती है सर, शासन की योजना मतलब फालतू समय में उन चीज़ों का दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें तो शासन की योजनाएँ जानकारी MP ऑनलाइन के माध्यम से अपने आप खुद को मिल जाएगी नई जनरेशन को सर। और अपनी प्रतिभा का सही मूल्य आकलन करना हो तो नौकरी में कुछ नहीं रखा सर, अपने पुश्तैनी ज़मीन को लोगों को बेचने से या साझे ठेके पे देने से कोई मतलब नहीं सर, खुद के आके खेती करो या उसमें पोलियो हाउस डालो या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वेयर हाउस हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, उन शासन की योजनाओं का लाभ ले सर। क्या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं लेंगे सर, और जो अनपढ़ा लिखा वो करेगा तो उसमें मतलब समझो कि 1200 के 1000 ही करेगा सर।